नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके पहले निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा रैली देखेंगे। और कभी कभार ये उल्टा भी होता है, जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में आग में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो दोनों तरफ ही हम लोग फंसते हैं, रीजन एक ही है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप बेसिकली ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और पेशली ऑप्शन बायर्स है तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो एज ए एग्जाम्पल आज को मैं निफ्टी का 22,350 का पुट का एक चार्ट लगाया हूं और इस चार्ट को मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा, जो एंड से शुरुआत से लेकर एंड तक कैसा मार्केट में मूवमेंट किया। देखिए, ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है, कैंडल का कलर थोड़ा सा ब्लू टाइप का आपको दिख रहा है। ब्लू कैंडल का मतलब ही है ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है और जैसे कैंडल खत्म होगा आपका पास सिग्नल बन जाएगा। जैसे देखिए, ये जो ग्रीन कलर का एरो आपको दिख रहा है ये आपका सिग्नल है, जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा। अब क्वेश्चन है जो कॉल सही है या गलत है। बेसिकली ऑप्शन बाइंग एक ऐसा चीज है, यहां पर एक सही एंट्री आपको 10 से 15 मिनट में प्रॉफिट जैसा दिला भी सकता है, एक गलत एंट्री आपको लॉस भी दिला सकता है। तो एंट्री लेने का पहले एक ट्रेडर को क्या क्या चीज देखना चाहिए। बाइंग का टाइम सबसे पहला जो चीज है, नीचे का रिबन का कलर को आपको देखना है। अगर नीचे का रिबन का कलर ग्रीन है इसका मतलब है ऑलरेडी मार्केट में बाइंग परसेंटेज ज्यादा है। दूसरा चीज होता है बाय का कॉल का, पहले हमेशा एक स्टार बनेगा जो ब्लू कैंडल का नीचे आपको ग्रीन स्टार दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्कैल्पिंग के लिए नीचे का ब्रिक्स वाला इंडिकेटर को देखना है, इसका कलर ग्रीन होना चाहिए और व्हाइट का ऊपर होना चाहिए। अगर ये तीन पैरामीटर मैच होता है तभी जाके कोई कॉल पे हम लोग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नॉट। तो 110 में ये जो बाय का कॉल बना था कंडीशन के हिसाब से सही था, मैं यहां पर ट्रेड ले सकता हूं। अब देखिए, एंट्री लेने का बाद बेसिकली हम लोग को एग्जिट कहां पर करना है। अगर मैं यहां पर 110 में एंट्री लिया हूं, देखिए देखते देखते मार्केट 135 तक चला गया, मतलब 25 पॉइंट प्रॉफिट आप ऑलरेडी बना लिए हैं। बेसिकली ऑप्शन बायर्स का एक माइंडसेट रहता है जो मुझे 10 पॉइंट लेके निकल जाना है, बट ये चीज गलत है क्योंकि प्रॉफिट का टाइम तो आपका 10 पॉइंट सेट रहता है बट इस हिसाब से आप कभी भी लॉस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉस जब होगा तब उससे ज्यादा ही होता है। तो प्रॉफिट का टाइम अगर आप प्रॉफिट को इंक्रीज करके नहीं रखेंगे तो लॉस बैलेंसिंग नहीं होगा। देखिए, इस कॉल को मैं कब तक वेट करूंगा, 25 पे प्रॉफिट लेके जा रहा हूं, एंट्री लेने के बाद मुझे ब्रिक्स का तरफ थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, ब्रिक्स वाला इंडिकेटर अगर आपको दिख रहा है मार्केट ऑलरेडी ऊपर चला गया है और मौका नहीं है तो नीचे का ब्रिक्स का तरफ ध्यान दीजिए। जहां पर ब्रिक्स का कलर ब्लू होना शुरू करेगा समझ जाना है जो यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लीजिएगा। तो एंट्री एंड एग्जिट अगर ये दो तरीका अगर परफेक्ट हो गया तो आप कहीं पर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। अल्टीमेट देखिए, देखते देखते मार्केट रिवर्स हो गया, अभी एक फ्रेश सेल का कॉल है। अगर मैं सेल का कॉल का बात करूं, सेल का कॉल में वही सेम कंडीशन, नीचे का रिवर्स रेड हो गया, सेल का कॉल का पहले स्टार है, देखिए नीचे का ब्रिक्स वाला इंडिकेटर रेड है और व्हाइट का नीचे। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं या यहां पर आप कॉल बाय करके पैसा बना सकते हैं। अल्टीमेट देखिए, यहां पर भी वही चीज को देखना है, नीचे का ब्रिक्स थोड़ा सा कलर चेंज हो गया बट है ये अभी भी व्हाइट लाइन का नीचे। याद रखिएगा, जब तक व्हाइट लाइन का नीचे है इसका मतलब है पोजीशन आपका अभी भी सेलिंग का तरफ है, और जैसे ये व्हाइट लाइन को तोड़ के ऊपर चला जाएगा तो समझ जाना है जो पोजिशन टोटली आपको स्क्वायर अप करना है। नीचे का रिबाउंड टोटली रेड होने का मतलब यहां पर अभी भी सेलर बैठा है। तो यहां पर मार्केट गिरा है तो यहां पर आप कॉल ऑप्शन बाय करके भी पैसा बना सकते हैं। अल्टीमेट देखिए, यहां पर दोबारा बाय का कॉल बना। अब क्वेश्चन है जो क्या ये बाय का कॉल सही है। अब वही सेम चीज आप रिपीट कीजिए, सुबह का बाय का कॉल और ये बाय का कॉल में क्या डिफरेंस है। नीचे का रिबन ग्रीन है वो तो ठीक है, ब्रिक्स आपका फेवर में है वो भी ठीक है, बट इस बाय का कॉल का पहले देखिए कोई ग्रीन स्टार है नहीं, इसका मतलब है ये कंडीशन यहाँ पर छूट रहा है वो है स्टार वाला। तो अगर स्टार कंडीशन नहीं मैच हो रहा है तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। देखते देखते देखिए मार्केट घुमा दिया और यहाँ पर सेलिंग का कॉल बन गया। अभी जो सेल का कॉल बना है ये भी कॉल सही नहीं है क्योंकि इस टाइम नीचे का रिबाउंड ग्रीन है और ब्रिक्स वाला इंडिकेटर भी व्हाइट का ऊपर जा रहा है। तो इस हिसाब से आप इजीली एक कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कौन सा कॉल आपके लिए ट्रेडेबल होगा और कौन सा कॉल ट्रेडेबल नहीं है। फाइनली देखा जाए, यहां पर दोबारा एक बाय का कॉल बना एंड ध्यान से देखिए वही सेम लोकेशन पे बाय का कॉल दिया है जहां पर ये बाय का कॉल आया था।
बट इस बाय का कॉल में देखिए इस टाइम स्टार नहीं था, बट इस बाय का कॉल में विथ स्टार एक कॉल आपको मिल रहा है। तो ये स्टार था, नीचे करीबन ग्रीन है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, कंडीशन सारा चीज मैच है, आप यहां पर बाय करके पैसा बना सकते हैं। तो देखते देखते देखिए मार्केट इतना ऊपर लेके चला गया, अगर मैं यहां पर भी ट्रेड ले रहा हूं 80 रुपया का आसपास, यहां से 107 मतलब 20 पॉइंट आप यहां पर भी आराम से बना लिए। तो चीजों को समझ के ट्रेड करना पड़ेगा, दिन में काफी सारा कॉल बन ही सकता है, हर एक कॉल पे ट्रेड करने का जरूरत नहीं है, एक सही कॉल आपको सारा दिन का प्रॉफिट देके निकल जाएगा। ये जो सेल का कॉल बना है इसमें स्टार नहीं, मतलब ये कॉल फॉल्स है। अल्टीमेट देखिए मार्केट नीचे तो आया था, बट मैं यहां पर इस टाइप का कॉल में रिस्क नहीं लूंगा। फाइनली धीरे धीरे मार्केट रिवर्स हो गया, दोबारा बाय का कॉल बना। अब ये जो बाय का कॉल है यहां पर नीचे करीबन ग्रीन है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, अब इस जगह दोबारा बाय का कॉल का स्टार नहीं बनेगा क्योंकि स्टार मेरा ऑलरेडी चल रहा है। तो इस चीज को याद रखेगा, बहुत टाइम हम लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, हम लोग सोचते हैं जो यहाँ पर स्टार बनेगा उसके लिए वेट कर जाते हैं। आपको देखना पड़ेगा अगर मेरा ऑलरेडी ग्रीन स्टार पहले से चल रहा है तो इस बाय का कॉल में दोबारा आपका ग्रीन स्टार नहीं बनेगा, आप उसी का साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए यहां पर जैसे अंत में मार्केट काफी वोलेटाइल रहा, बट ऊपर का तरफ भी मार्केट यहाँ पर खत्म करके छोड़ा है, 3:30 बजे तक अगर हम लोग देखेंगे मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो इस बाय का कॉल में भी मैं काम करके पैसा बना सकता हूँ। तो ये तो था फुल डे का एक परफॉर्मेंस, चार्ट को देखने से आपको समझ में आ रहा है आपको ट्रेड कहां पर करना चाहिए और कहां पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। दिन में काफी सारा कॉल बनेगा, बट जहां पर कंडीशन का सब मैच होगा ट्रेड वहीं पर करना है, नहीं तो नहीं करना है। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सारे का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलएक्स ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटी भी दे रहा है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।